तीन दिन ये सब फाइलों की फोटो आनी चाहिए, सब फाइलों की। अभी देखो क्या वो इस फिल्म की कहानी है एक बाहर से स्मॉल टाउन गांव से आए हुए एक आदमी की अद्भुत घूमती है, कैसे वो सपने लेकर के इस बड़े शहर में आता है मुंबई शहर में, कैसे वो सपने टूटते जाते हैं और कुछ सपने बनते हैं कुछ टूटते हैं, वहां से गुजरती है उसकी ज़िंदगी। जब अंत में पहुंचती है कैसे वो एक बदला हुआ इंसान होता है। ये उन सब लोगों की कहानी है जो कि छोटे शहरों से बड़े शहर में बहुत सारे सपने लेकर के आते हैं, कैसे वो धीरे धीरे अपनी वो चीज़ जिसे हम नैतिकता कहते हैं, जिसे हम वैल्यूज़ कहते हैं, जिसे हम वो इनोसेंस है मासूमी, सब कुछ आदमी कैसे कैसे खोता चला जाता है। तो इन सब की कहानी है दिल पे मत लीजिए। आपका रोल क्या है, कैरेक्टर किस तरह से इमेज होगा इस फिल्म की कहानी का? मैकेनिक है और यूपी का रहने वाला है, काफी सपने देखता है, काफी रोमांटिक है, उसे लगता है कि हर चीज जिसे वो चाहता है वो उसे हासिल हो सकती है और उसकी मासूमियत जल्दी छूटती नहीं है, उसे वो छोड़ नहीं पाते। यही है चैत्र हमारी फिल्म का। मनोज अभी जो है सॉन्ग सीक्वेंस हो रहा है वो क्या है और वो कैसा मूड क्रिएट करता है? ये फिल्म के ऑलमोस्ट सेकंड हाफ में आता है जब हमारा जो फिल्म मेकर है उसका कमेंट है
स्पेशली उस प्रोटैगनिस्ट के ऊपर, जहाँ पर वो कमेंट करता है कि चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से मत लो, नहीं तो तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ हो जाएगी। बड़ा शहर है, यहाँ पर चीज़ों को सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया जाता है, एक कान से लेकर के दिमाग में रहने दिया तो ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। आपका तब्बू जी के साथ बहुत एक्सपीरियंस कैसा रहा? तब्बू जी को मैं हमेशा बहुत ही उमदा अभिनेत्री माना, उनके साथ काम करने की इच्छा थी और दो फिल्मों में पूरी हाथमी और दो फिल्मों में आ गई, तो ये अपने आप में मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी अच्छी अभिनेत्री के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छी इंसान, उनके साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। मैंने पूछा हाउ लॉन्ग विल कश्मीर एंड रेमो विल टेक, बोलते आप जब बोले तब मैं बुला देता हूँ। सॉन्ग जैसा कि आप देख रहे हैं बाल का सीक्वेंस है और इट्स अ आइटम बेस्ड सॉन्ग। इसमें क्या है कि मनोज बड़ा ही फ्रस्ट्रेट हुआ है क्योंकि उसने अभी अभी देखा है कि जिस लड़की को इतना प्यार करता है शी इज़ मेकिंग लव टू समवन एल्स। अब वो इस बात में आता है किसी से मिलने भाई से जिसका ये बार है, तो वो यहाँ आता है और देखता है कि यहाँ पे भी वही गाना चल रहा है, एकदम वही बड़ा आइटम सॉन्ग जैसा सेक्सी सेक्सी गाना, तो और वो भड़क जाता है, वो खून करने पे उतर आता है, ऐसा कुछ ऐसा। देखो नॉर्मली तुम शुरुआत कैसे करते हो डांस कोरियोग्राफ करने की? डू यू थिंक कास्ट इज फर्स्ट और सिचुएशन कम्स फर्स्ट, ब्रीफिंग कम्स फर्स्ट और द सॉन्ग कम्स फर्स्ट? आई थिंक सबसे पहले तो सॉन्ग को एज इट ओके एंड देन द सिचुएशन, सिचुएशन फॉर द सॉन्ग, उसके बाद आता कास्टिंग और वो सब। तुम्हें किसी किस्म की ब्रीफिंग मिलती है डायरेक्टर के पास से बिफोर द एक्शन? जी बहुत ब्रीफिंग इज नेसेसरी क्योंकि डायरेक्टर एक आदमी होता है जो फिल्म बनाता है, उसके दिमाग में पूरी फिल्म रहती है कि कैसा उसको चाहिए, तो डेफिनेटली उसके उसी को मालूम होता है कि ये सॉन्ग कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। सो एक छोटी सी मीटिंग और ब्रीफिंग होती है डायरेक्टर के साथ कि उसको कैसा चाहिए गाना। सो ये अच्छा रेमो वो जो ब्रीफिंग मिलती है उसके बाद तुम्हारा पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ब्रीफिंग मिलने के बाद पूरा मेरा कंट्रीब्यूशन होता है कि कोरियोग्राफ करना, फिर सिचुएशन के हिसाब से वो गाना अच्छा होना चाहिए उस जगह पे, सो आई बेसिकली कोरियोग्राफ द सॉन्ग एंड या बेसिकली कोरियोग्राफिंग द सॉन्ग। और बहुत कुछ मतलब मेरे को भी फिल्म के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है क्योंकि सॉन्ग उस हिसाब से चाहिए होता है फिल्म के हिसाब से, तो मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ता है फिल्म के अंदर। अभी तू ऊपर जा, इसके बाद तो जाएगा नहीं इसी को खड़ा नहीं खड़ा नहीं शार्प है, इसका टाइम नहीं है, बीच पे नहीं है।
गाना सुन लिया था क्योंकि हर एक आदमी अगर फिल्म में आप काम कर रहे हो तो स्क्रिप्ट सुनते हो ना, क्या रोल है मेरा इस फिल्म में, यही रोल है कि मैं ये गाना कर रही हूँ जो टाइटल सॉन्ग, वो सुनने के बाद ऐसे रुकी मुझे प्रॉब्लम और थोड़ी बहुत स्टोरी समझ में आई है, बट आई डोंट थिंक आई कैन डाइवर्ज। कश्मीरा जी, अभी जो ये सॉन्ग पिक्चराइज हो रहा है उसके बारे में, उसका सीक्वेंस क्या है वो बताइए और ये कैसा मूड क्रिएट है? सी, ये फिल्म के इस पॉइंट पे आता है जब मनोज जी इज़ रियली वेरी फ्रस्ट्रेटेड, अपसेट विथ लाइफ, ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग, हिज फ्रेंड गेट्स हिम टू दिस बार और वहाँ पे ये गाना हो रहा है एंड गाना तो टाइटल गाना है, दिल पे मत ले यार, तो उनके मूड पे, इट्स गोइंग ऑन विद द मूड ऑफ द फिल्म, मूड ऑफ द एक्टर, ही इज़ अपसेट अबाउट समथिंग एंड it's a very situational song at this moment. Yeah.
Hello. Hello, brother. Come on, move.